नमस्कार, फिर से एक बार हम हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। हर बार हम कुछ ना कुछ परिचर्चा लेकर आपके सामने आ रहे हैं, और आज इस परिचर्चा का जो विषय है, जो आप इनविजन और सिटी न्यूज के माध्यम से जो देख रहे हैं, आज की इस महाचर्चा का विषय, क्या भारत चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, ये एक व्यापारिक विषय। और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में जो महानुभव जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है नरेश शर्मा, जो कि व्यापार संदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है शेखर राठी जी, जो कि उद्योजक है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ में है अनिल सुराना जी, जो कि मुख्य अभियंता रहे हैं एमएससीबी में और फ्रीलांसर करके काम करते हैं। हमारे साथ में है विश्व मणि तिवारी जी, जो कि सीएमडी है प्रभात टेलीकॉम के। इसी के साथ में हमारे एसोसिएट्स है डॉक्टर चंदू सुजातिया जी, जो कि अमरावती से, और हमारे विश्लेषक है विशेष विश्लेषक डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। मैं इन सभी महानुभव का स्वागत करता हूँ। हम सबको इस चर्चा की शुरुआत छोटे से अपने परिचय के साथ में करनी है। चलिए मैं सीधे आता हूं विश्वमणि तिवारी जी के साथ में। क्या सर, आप समझते हैं, अपने छोटे से परिचय के साथ में चर्चा का शुरुआत आपसे करेंगे, कि क्या भारत चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम विश्वमणि तिवारी है जी। आई एम चेयरमैन ऑफ प्रभात ग्रुप ऑफ कंपनीज। वी हैव 6-7 कंपनीज इन ग्रुप। यस सर। अपने बारे में ज्यादा ना बोल के आपके सब्जेक्ट पे ज्यादा बोलूंगा। जी सर, बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट है, क्या चीन को हम आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो मेरा ये मानना है, अगर सब लोग सचमुच अगर देशभक्त हों और सब अगर ये निश्चय कर लें, तो बेशक हम उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि चीन को कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, वो चीन की अपने अंदरूनी मामले, लेकिन यह जरूर हम कुछ ना कुछ लेवल पे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन परसों की तरह नहीं। परसों चीन ने एक लॉन्च किया A9 जी, वीवो का जी, और पौने घंटे में सबकी देशभक्ति गायब हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गया भारत में। अमेजोन भारत में परसों लॉन्च हुआ है जी, एक घंटे में दे हैव सोल्ड मोर देन अ मिलियन फोन्स विदिन अ वन मंथ Within a one hour, I'm now out of stock. इस तरह की देशभक्ति से हम चीन का कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, अभी मैं आऊंगा अनिल जी के तरफ। अनिल जी, आपकी आपकी शुरुआत है टिकनी। जी हम अभी फिलहाल तो हम खुद का परिचय आपके आपके परिचय के साथ में शुरुआत कीजिए। अनिल जी, खुद का परिचय हमारे के हासिल किया, पहले परिचय आपका। मैं खुद अनिल सुराना हूँ और मुख्य अभियंता करके एमएससीबी में मैंने काम किया है, और 40 साल से मैं पावर जनरेशन से जुड़ा हूँ जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पहले हमें सोचना है कि हमें कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है क्या, क्योंकि 70% आज हमारे पूरे मार्केट पे मशीनरी बोलो, सोलर बोलो, हर इसमें चीन का प्रभाव बढ़ गया है, और चीन की टेक्नोलॉजी और जो चीन का जो R&D है वो अब सब उनके हाथ में है, प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट जो अभी ऑलरेडी हमारे यूज में आ रहे हैं, इनको हम कैसे क्या चला सकेंगे? चीन को यदि हम आर्थिक दृष्टि से यदि वो करना चाहते हैं तो ये सोचना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि अब चीन हमसे जो इंपोर्ट करता है वो 5% है, और हमको जो एक्सपोर्ट करता है वो 16% है जी। आज ऐसी हालत है कि चीन ने यदि हमारे को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो 16% यदि बंद भी हो गया तो भी उससे कुछ ऐसा ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 16% जो है वो चीन जो पूरे विश्व को जो सप्लाई करता है उसका 2.5% होता है ये। तो ये 2.5% से चीन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या नुकसान है। हमें नुकसान नहीं है तो फिर आगे की हम बात हो सकते हैं जी। बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा राठी सर के तरफ। राठी सर, आपके परिचय के साथ में आज की टिप्पणी की शुरुआत कीजिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं शेखर राठी, एक्स ITI प्रिंसिपल जी, और 2014 से आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड आवर ओन इंडस्ट्री। अमेरिका अमरावती में मेरा एक छोटा सा उद्योग है सोलर एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के नाम से जी, जहाँ हम मेक इन इंडिया के अंतर्गत मेड इन इंडिया LED लाइट मैन्युफैक्चर करते हैं जी, और हमारा ब्रांड नेम देवा लाइट है, और हमारी कोशिश राइट फ्रॉम बिगिनिंग की यही रही है कि हम
मेड इन इंडिया को फॉलो करे मैक्सिमम परसेंटेज में, 80% 90% जो शुरुआत करी थी हमने वो हम लोग 60% ही कर पाए थे, लेकिन आज के समय में 95% मेड इन इंडिया को फॉलो करके चाइना के प्रोडक्ट के साथ में कॉम्पीट भी। ठीक है, कहीं मुझे लगता है शेखर सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगा नरेश शर्मा जी की तरफ। नरेश शर्मा जी आपका स्वागत है, आपके अल्प परिचय के साथ में आज की शुरुआत कीजिए सर, आपकी टिप्पणी के साथ। मैं नरेश शर्मा, एडिटर दैनिक व्यापार संदेश कानपुर जी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की जी। अगर हमारा मकसद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का है तो इसके लिए जनता और सरकार दोनों को विचार देखने पड़ेंगे, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये बत्ती उबाल का समय है और लोग कह सकते हैं चीन का बहिष्कार, लेकिन आज की तारीख में तो नुकसान हमारा ही होगा जी। जितना सामान हमारे यहाँ आ चुका उसका पेमेंट हम कर चुके हैं चाइना को। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के रूप में देखते हैं तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ये तुरंत नहीं हो सकता। हम 70% फार्मा के लिए चाइना पर डिपेंड है, 75% सर जी, 90% से ज्यादा सोलर के लिए हम चाइना पर डिपेंड है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए पहले हम ये देखें कि हम अपने वैकल्पिक प्रोक्योरमेंट का इंतजाम कहाँ से करें, या तो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। उसमें तो समय लगेगा सर, उसमें टाइम लगेगा, वही मैं कह रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा। या तो हम वैकल्पिक इंतजाम करें सिंगापुर से, साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जहां जहां से भी हम ले सकते हो जो आइटम, उसके बाद हम विचार करें कि हम चाइना पर कहां तक ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी में चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है उससे तत्काल बंद करना बड़ा मुश्किल है। तो इन शॉर्ट कि हम जो बात कर रहे हैं कि चाइना को आर्थिक नुकसान हम पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। मैं इसी बात को लेकर इन शॉर्ट में 5 या 7 अरब डॉलर से ज्यादा का हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा 92 अरब डॉलर का बायलेटरल ट्रेड रहा है लास्ट ईयर। ओके मैं अब चंदू सर से जानना चाहूंगा। चंदू सर, आपने हमारे जो आज के गेस्टों की बात सुनी और आप इस विषय पर आप क्या कैसे शुरुआत करना चाहेंगे? नहीं, जैसे हमारा आज का विषय क्या, हम अर्थव्यवस्था में चाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाइना को नुकसान पहुंचाने के साथ में हमको हमारा भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट बताया, नुकसान पहुंचाने को 5 अरब से ज्यादा का हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसके बदले जो हमारे यहाँ का नुकसान होगा उसके लिए हमारे पास पर्याय कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि हमको यदि चाइना का प्रोडक्ट बंद करते हैं, चाइना को अगर हम पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आर्थिक बाजू तो मजबूत करनी पड़ेगी। चाइना को नुकसान पहुंचाने के साथ में नहीं बनानी थी, चाइना को नुकसान पहुंचा के यदि हमको फायदा होता है तो निश्चित रूप से हमने इसकी कोशिश करनी चाहिए। चाइना को हम बंद कर रहे हैं, हम कोरिया पे डिपेंड होंगे, हम जापान पे डिपेंड होंगे, किसी न किसी से हमको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करना है। और जो ऑलरेडी अभी पूरे इंडिया में माल उनका जो डंप है वो तो हम वेस्टेज नहीं कर सकते, वो माल रिलीज होते होते हमको 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। अभी ये अभी का कोरोना के साथ में जो कोरोना चीन से आया जो और हरकत चीन ने अभी बॉर्डर की है, उसका ये सब जनता में भावनात्मक उबाल है। ये समय के साथ में धीरे धीरे जब नॉर्मल स्थिति हो जाएंगी तो चाइना को वापस लोग भूल जाएंगे। आज लोग देशभक्ति में एक जज्बे में बात कर रहे हैं कि हम चाइना का प्रोडक्ट मत करो, दुनिया भर के सोशल मीडिया पे इसका प्रसार हो रहा है। लेकिन आंकड़ों के यदि बात करें तो अनिल सुराणा जी ने बताया और इन्होंने बताया कि कितना शेयर, ये तो उनका इन्होंने इंपोर्ट का बताया, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ऑलरेडी उसमें भी चाइना के यहाँ पे पार्टनरशिप है पूरी पूरी, उनके भी यहाँ पे उनके शेयर करीब करीब 70% के आसपास कई कंपनियों में चाइना का यहाँ पे पूंजीगत व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट है। उतनी पूंजी यदि चाइना को वापस भेजता हमको पूंजी कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी, वापस किसी देश पे डिपेंड हो, तो यानी किसी न किसी को हमको साथ लेना है। जो साथ लेना है तो चलता व्यवसाय को पूरा नुकसान पहुंचाकर जब तक हम इसमें एस्टेब्लिश, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार के तरफ ठीक है
शेखर जी कह रहे कि उन्होंने प्रयास किया कि चाइना के प्रोडक्ट से उनको कॉम्पीट करना, सरकार का उनको कितना सहयोग, मैं उनसे जानना चाहूंगा इसके बाद में कि क्या सरकार भी आपको चाहती है कि चाइना के प्रोडक्ट बंद करना। जब तक सरकार की मंशा नहीं हो, सरकार आपने साथ में नहीं होता, जनता का सिर्फ एक मात्र भावनात्मक उबाल है। सरकार नहीं कर सकती ना सर, सरकार कैसे करेगी, सरकार पर तो निर्बंध है। सरकार के पास अभी बहुत अच्छा मौका था करने, गलवान घाटी में जो चीन ने हरकत की थी, हम शत्रु देश घोषित करके टोटल संधियां रद्द कर सकते थे, लेकिन तो क्या उनका कांटेक्ट, उनका अपना WTO का कांटेक्ट तोड़ सकते थे शर्मा जी, क्या प्रोविजन में तोड़ सकते, कैसे तोड़ सकते? भी सर कोई भी संधि आपको यह नहीं कहती कि दुश्मन आपके ऊपर बम्बार्डिंग करे, आपकी जमीन पे कब्जा कर ले तो भी आप उससे कारोबार करते रहो, आप शत्रु देश घोषित करते उसको सारी संधियां निरस्त कर सकते थे, लेकिन हमारे हाथ से चला गया जब कह दिया कि कोई घुसा नहीं, कोई कब्जा नहीं हुआ, तो वो हमने अपने हाथ से ही अपना पत्ता खो दिया। नहीं, चाइना के साथ में जो तनाव की स्थिति बनी है उसकी वो एक अलग चर्चा का विषय और हो सकता है कि वो तनाव की स्थिति जो बनी उसके लिए चाइना कितना जिम्मेदार है। रत्नाकर जी तनाव के कारण ही ये चाइना को बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, उसको नहीं उसको वो आएगा उत्पन्न नहीं हुई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको टालने की बात नहीं कर रहा मैं, ये कर रहा हूँ कि उसको अपना मेन मुद्दा ये है कि चलो ये एक मुद्दा मिल गया कि ये हो गया, एक इसको चिंगारी समझ लीजिए कि ये जो हरकत हुई, ये हरकत होने से चिंगारी को आग बनाने का काम गवर्नमेंट कर सकती थी, गवर्नमेंट चिंगारी पे पानी डाल दे उसको मैटर खत्म किया। अब जनता के सिर्फ एक भावनात्मक भरोसे हम चाइना को कितना नुकसान पहुंचे, बताया कि टोटल 2.5% चाइना का जितना प्रोडक्शन उसका 2.5% यहाँ पर वहां से आता है, यहाँ ऑलरेडी जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ में प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2.5% यदि उसको हमने उसका इंपोर्ट बंद भी किया तो क्या 2.5% चाइना के लिए बहुत ज्यादा होगा? ये विश्वमणि जी। हाँ सर, ऐसा है मैं सुन रहा था आप लोग की बातें, शर्मा जी की, आपकी सबकी, बिना सरकार के मंशा के तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी, 2015 में चाइना का इंपोर्ट 14% था, 2014 में आंकड़े देख लीजिए, मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। मुझे आलोक जी ने जब सब्जेक्ट बताया तो मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया, स्टडी कर ली। 2019 में ये चाइना से हिंदुस्तान का इंपोर्ट 38% हुआ है, 38%, 14 से बढ़ के 38% अपने यहाँ कंज्यूम करने वाला। अभी फरवरी में एक टेंडर हुआ है दिल्ली कानपुर रोड पे, 5.5 किलोमीटर की टनल बनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है शंजन टनल इंजीनियरिंग कंपनी को, सेकंड लोवेस्ट बिडर वाज एलएनटी और शंजन कंपनी, सिर्फ 50 करोड़ का फर्क था, जिसमें टाटा भी बिडर थी, शाहपुर जी पालन जी भी था। 50 करोड़ मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी कंपनी को देने में कोई तकलीफ नहीं थी, एक्स्ट्रा पैसा हिंदुस्तान में रहता, बट शंजन कंपनी को दिया गया। हम देशभक्ति की बातें करते हैं, अभी 4 दिन पहले बीसीसीआई का सारा कॉन्ट्रैक्ट बीओ को दिया गया, जहां पे जयसाई जी सेक्रेटरी हैं। महाराष्ट्र में चार पांच दिन पहले द ग्रेट वॉल मोटर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 6,000 करोड़ का, चाइना की कंपनी है, जनरल मोटर्स इंडिया उसने खरीद ली। सर ऐसा है, आप मान चाइना, देखो हम सर कुछ भी आपस में बात कर लें, अभी शर्मा जी ने कहा ऑस्ट्रेलिया से माल मंगाए, कोरिया से मंगाए, यहां से सर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कहाँ से मंगाते हैं, वो भी चाइना से मंगाते हैं। भविष्य में ये रूटीन होगा, रूट हो जाएगी चीजें, हमें चाइना को कम्पीट करने के लिए चाइना जैसी सोच लानी पड़ेगी और वो सोच सरकार को लानी है। हमारे ही बिजनेसमैन चाइना से जाके माल लेके आ रहे हैं सर, चाइना आके बुला के माल नहीं दे रहा। आलोक जी, ये अभी विश्वमणि जो साहब जो जी प्लीज 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 अभी क्या है कि विश्वमणि जी की आपकी आवाज कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, शायद अनिल जी रुक जाइए, मैं बोल दूं उसके बाद फिर आप बोलिएगा, मैं बोल लेता हूं एक बार। पहले सबसे पहले क्या है कि ये स्थितियां जो बनी है वो युद्ध जैसी स्थिति बनी है। जी, जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये सब चीजें जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये भावनात्मक है, चंदू भाई ने जैसे कहा कि भावनात्मक है, लेकिन शर्मा जी ने कहा कि भाई वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, हमने अपॉर्चुनिटी खोई नहीं है। आप जब हम दुश्मन हमारे अंदर आया ही नहीं है, आपको याद होगा पहले डिबेट में जब बात हुई थी तो हम लोगों ने ही एक्सक्लूसिव, आज वो जी जो बोल रहा है जी न्यूज और बाकी, ये हम लोग 5-4 दिन पहले हम लोग बोल चुके थे कि हम लोगों ने क्रॉस करके हम लोगों ने ये सब घटनाएं की है करके,
इसलिए ये बात ही अलग है कि वो गुस्सा है, हम लोग जाके ये जो घटनाएं घटित हुई है उसमें एलएसी हम लोग गए और जाने के बाद में ये सब हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनके कुछ सैनिक शहीद हुए। अब आओ हम इंडस्ट्रीज पे, तो डिपेंडेंसी हम लोगों ने ये कई सालों का पाप है, शुरू कर देना तो आलोक है। तो आलोक जी इसमें लिए देश के तरफ से, सरकार के तरफ से प्रयास होने चाहिए, जनता की भावना हाँ। देश प्रेम की भावना जो है वो सिर्फ यूज करने के काम में आ रही कि एक आवाज दे तो सारी जनता हमारे पीछे हो जाती। इस चीज के अलावा इसलिए इस टाइम पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं कि भाई तुम इसका बहिष्कार करो उसका, उसके बहाने सोशल मीडिया पे देखते कि जनता सरकार के साथ में कितनी है। ये कहीं तो भी राजनीतिक, यानी वो छोटा सा हुआ कि भाई युद्ध हुआ नहीं हुआ उसके अंदर गए, जैसे चर्चा का विषय हो गया, लेकिन उस चीज को अपने देश में पूरा राजनीतिकरण उसका कैसे करना, ये काम किया जाए। ऐसी स्थिति में भी जहां होता है वहां पर हम लोग उसकी पॉलिसी ना बनाकर हमारा राजनीतिकरण का फायदा क्या होता इस चीज को, सरकार की मंशा पूरी, चाहे सरकार कोई है, मैं जो भी वर्तमान सरकार रहती है उस पे बात जाती है, सरकार की मंशा बहुत कमजोर है, जनता पूरी साथ में, जनता आज भी आपके सारे प्रोडक्ट बैन करने को रेडी है, लेकिन क्या आप पर्याय व्यवस्था कर सकते हो? चलिए राठी जी से मैं सवाल, राठी जी से मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसा आप बता रहे चंदू जी कि अगर कोई युवा वर्ग अगर आज चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, कोई व्यवसाय करूं, और जैसे कि आलोक जी ने बताया कि जर्मनी की कोई टेक्नोलॉजी आती है चाइना में, अगर उसको अडॉप्ट किया जाता है तो सरकार भी उसको देती है, अपने यहां इसको चलाना क्यों नहीं? राठी साहब आप खुद भी उद्योग, ऐसा होता है कि मेरे मन में कोई एक आधी भावना है या मैं सोचूं कि मैं ये उद्योग लगाऊं, लेकिन सरकारी अड़चन ही इतनी है कि मैं उस उद्योग को लगा नहीं पाता हूं? नहीं साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरा मत विभिन्न है, मैं डिफर करूंगा जी। प्रॉब्लम सरकार की तरफ से उतनी नहीं है जितनी हमारी आपस में प्रॉब्लम है, हम लोगों में मानसिकता किसका है, हमारी जनरेशन में, हमारे लोगों में एक पर्टिकुलर मानसिकता बनी हुई है। हम लोगों की जो मानसिकता है वो हार्डवर्क करने की कम होते जा रही है दिन ब दिन, और हम ऑनलाइन और रेडीमेड चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है कि जहां से हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए, देश कोई भी हो, चाइना हो या एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री हो, तो हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर रहे साहब, हम रेडीमेड प्रोडक्ट उस टेक्नोलॉजी से बने हुआ ही इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी हो क्या रहा है कि हम व्यापार करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम उद्योजक बनने में कम बिलीव करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करते। एग्जैक्टली हमारी मानसिकता ही नहीं है ना साहब, हमारा कल्चर शायद कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है दिन ब दिन। वहां पे हर घर में उद्योजक बन रहे हैं, हमारे हर घर में उद्योजक छोड़ के हमारे 10 या 100 घर में भी उद्योजक नहीं बनता है। तो देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। मेरा आज के आपके इस विषय के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें चाइना को क्या तकलीफ होगी हमारी वजह से, हमारे व्यापार की वजह से, हम अगर उनको साथ नहीं देंगे तो क्या तकलीफ होगी, ये अलग विषय है। छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए कि उनको तकलीफ 100 रुपए की होगी, 1000 की होंगी, लाखों की होंगी, लेकिन यही वो समय है जब हम सेल्फ रिलक्टेंट बन सकते हैं। हमें हमारी जनता को सेल्फ रिलक्टेंट बनाना होगा। देखिए, हर बार समय अच्छा या समय आपके साथ में नहीं होता है, फेवरेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। COVID-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारी संस्कृति क्या है साहब, हमारी संस्कृति सिंपल है कि हमारे तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो हम उसे उसका जवाब देते हैं कि भाई तूने हमारे तरफ आंख उठा के क्यों देखा, और फिर भी अगर वो आंख उठाता है तो हम साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। और हमारे बच्चों के तरफ अगर कोई बुरी नजर से देखे या उसे कोई एक चपत लगाए तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, हमारा स्वाभिमान लहू, हमारा बीपी बढ़ जाता है। मुझे ये बताइए, जिस COVID-19 ने हमारे बच्चों के चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे की रौनक, हमारी खुशियां ही खत्म कर दी, और ये COVID-19 का जन्मदाता चाइना है, क्या हमारे में स्वाभिमान नहीं है कि हम उसे किसी तरीके से जवाब दें? आज भी हमारे कुछ व्यापारी वर्ग है जो कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब ये व्यापार फिर से शुरू हो, कब मैं चाइना जाऊं, कब मैं माल कंटेनर भर के इंपोर्ट करूं, कब दुनिया को बेचूं और कब पैसा कमाऊं,
ये दृष्टिकोण लेके आज भी कुछ बैठे हैं। तो ये बात इतनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए शेखर जी, आप बोलते रहिए आप। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि किसी किसी एक व्यक्ति के वजह से कोई तालाब नहीं भरता, किसी एक व्यक्ति के वजह से कोई प्रणाली डेवलप नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के वजह से कोई पॉलिसी पूर्णत्व को नहीं जाती, वैसे ही किसी एक व्यक्ति के वजह से मेक इन इंडिया का सपना साकार नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। ये कार्य है गवर्नमेंट का, ये कार्य है विदेशी पॉलिसी का, ये कार्य है हमारे देश के बड़े से बड़े उद्योजक का, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये कार्य है छोटे व्यवसायी का, ये कार्य है उद्योजकों का, और ये कार्य है आम जनता का। जब ये छह लोग एक साथ में एक माला में एक प्रणाली से चलेंगे तो यकीन मानिए जिस व्यापारीकरण को चाइना ने हमारे देश में विगत 20 वर्षों से 1% से लेके 40% तक कर दिया, हम शायद अगले 10 वर्ष में ही उसको ये चुनौती देंगे। और सिर्फ बात चुनौती देने की नहीं है, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि हमको चाइना को चुनौती देनी है, चाइना से कॉम्पीट करना है, बिल्कुल नहीं, स्वावलंबन बिल्कुल। हम अगर हमारे ही नजर में ऊंचे उठ जाए, हमारे ही सामने हम एक अध्याय खोल के रखे आने वाली जनरेशन के लिए, हम ये एक मैसेज कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत की थी। ये ऐसा दौर था कोविड का, 19 का कह लीजिए, या अभी का जो चाइना के साथ में जो अपना संघर्ष चल रहा है, इससे हमने सीख के कहीं ना कहीं एक नई नींव डाली है। ये अगर शुरुआत हो जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा उदाहरण साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण साबित होंगे। और ये जनरेशन सिर्फ वो समझती है जो हम समझीवी वर्ग में जाके बड़ा पैकेज पाता है, लेकिन उसके माता पिता कभी उसको ये नहीं बोलते कि भाई 5-10 साल हो गए, अब तू अमरावती में आ, महाराष्ट्र में आ, हिंदुस्तान में आ और एक इंडस्ट्री खड़ी कर। क्यों नहीं करते? क्यों? कि कुछ कोई एक इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता, हम लोग डरते हैं, एक धड़स नहीं करते, रिस्क लेना नहीं चाहते हम। नहीं साहब, मैं उसको रिस्क नहीं कहूंगा, देयर इज नथिंग लाइक रिस्क। नो, यहाँ की मानसिकता उसको रिस्क ही शब्द बोलते हैं कि भाई हम रिस्क है यहाँ पे, अच्छी नौकरी चल रही है, क्यों यहाँ आए सर? ये व्यक्ति आलोक जी, इसमें व्यक्तित्व क्या प्रकृति है, कोई इसी हिसाब जैसा आप बोल रहे, कभी कोई इस तरह से देखता है? हम देखते हैं ना, एक ग्लास खाली है, आधा खाली है, कोई उसको आधा खाली देखता है, कोई आधा भरा हुआ देखता है, तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है। चलिए, मैं दृष्टिकोण जब रिजल्ट पे आते हैं ना, तो ऐसे दृष्टिकोण भी बदलने पड़ते, खाली खाली ही होगा। हाँ, तो बदलने की मानसिकता चाहिए, वो बदलने की दृष्टिकोण को, तो उस दृष्टिकोण को बदलने। शेखर जी ने 6 चीजें बताई, उसके लिए 6 उसके लिए ये होना चाहिए, लेकिन उसमें से 5 तो सब दूसरे के हाथ में, 1 जो जनता के हाथ में, जनता छठवी तैयार है, लेकिन जनता के सामने जो दिखेगा वही बिकेगा। शेखर जी, जो आप सामने ले जाके देखते हैं, जनता उसमें से अपना चॉइस करती है, उसके पास चॉइस है चुनने की। जब चॉइस खत्म हो जाएगी उसके पास में, मेड इन इंडिया ही रहेगा, उसके पास से नहीं रहेगा तो वो कहां से खरीदेगा? हमने आदत भी लगाई सस्ते की और अच्छे की, अच्छा भी सस्ता भी, ये हमारे आगे हर व्यक्ति की इकोनॉमिक्स पे हर चीज डिपेंड, यहाँ तक के अपने शादी की खरीदी वो इकोनॉमी पे देखता है, अपनी हर चीज इकोनॉमी देखता है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ इकोनॉमी देखते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज मानसिकता, इकोनॉमी और देशभक्ति, ये दोनों साथ में चलती है। एक बार आदमी पैसा छोड़ देगा देशभक्ति के सामने, लेकिन बार बार वो अकेला ही क्यों छोड़े, वो अकेला ही पैसा क्यों छोड़े? जब ये बात आती है तो वो भी उस प्रवाह में शामिल हो जाता है। ठीक है, मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमारा समय की भी सीमा खत्म होते आ रही है, हमारी कंक्लूजिंग टिप्पणी, क्या बेहतर हो सकता है अब स्थिति में? चलो, चाइना को आर्थिक नुकसान पहुंचाए नहीं पहुंचाए, या हमको अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चाइना की तुलना में या इतर देशों की तुलना में, अगर भारत अगर एक वैश्विक या आर्थिक अगर ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये ठोकपिट हो रही। चलिए ठीक है, वो चंदू जी, हाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा ये कहना है कि किसके यहाँ से उसका म्यूट कर दो ना, जिसके यहाँ से वो म्यूट कर ले थोड़ा अपने, जब ऑडियो रहेंगे। हाँ ठीक है, चलिए मैं अभी आप सभी के पास में बारी बारी आऊंगा। सोल्यूशन चाहिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? विश्वमणि सर जी, आपसे शुरुआत करता हूँ सर, क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे बेहतर आगे बढ़ सकते हैं सर? इसका सोल्यूशन ऐसा है, जैसे अभी
इन्होंने सर ने कहा कानपुर से जो बैठे हैं सर, सर ने कहा 20-25 साल पहले चाइना और हम लगभग सेम थे, मैं कहूंगा चाइना हमसे बदतर था, भुखमरी थी। लेकिन हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। तो ऐसा है कि हमें 20 साल चाइना की पॉलिसी का थोड़ा पुराने 20 साल का थोड़ा स्टडी करना चाहिए, जो उन्होंने अपने व्यापारियों के लिए किया, अपने देश के लिए पॉलिसी के लिए किया, हमें भी अच्छी चीज अनुकरण करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और हमें भी वो चीज रिपीट करना चाहिए अपने। सर हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है, मैं रिस्क एपेटाइट हमारे लोगों में जो है सर वो शायद ही किसी और जगह होगा। मैं राठी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। सर आप कितने भी चार, जैसे भी अभी चंदू जी ने कहा चार मोबाइल आप ऑप्शन दे, सस्ता आदमी लेता है, सस्ता अच्छा उठाता है, उसको मेक से कोई लेना देना नहीं है साधारण आदमी को जी। आप उनको एंट्री ही क्यों दे रहे हो? आप हमारे लोगों को ज्यादा सुविधा दो, हमारे बिजनेसमैन को आप आगे बढ़ाओ और हमारे बिजनेसमैन को ईमानदार समझो, चोर मत समझो। तो आप जितनी सुविधा हमारे बिजनेसमैन को दोगे, हर चीज में सुविधा दो उनको, उनको इकोसिस्टम डेवलप करके दो। आज अगर हम एक जैसे अभी आप मोबाइल की, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कोई हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है तो हमें चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है, तो 15-20 दिन में तो पूरे टेक्नोलॉजी के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, मार्केट चेंज हो जाता है। तो जैसे अभी बहुत लोगों ने, अभी पैनलिस्ट एक दोनों ने कहा कि हमें चाइना से कुछ चीज़ें मंगानी चाहिए बाकी यहाँ बनानी चाहिए। सर यहाँ क्या बनाओगे सर? आप यहाँ अगर एक चीज़ खराब जाती है तो आपको कस्टम से यहाँ लाने में डिपेंडेंसी अपनी, डिपेंडेंसी अपनी बहुत ज़्यादा है आज। और सर टेक्नोलॉजी बिजनेस जो है सर, ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। आज चीज 10 रुपए की, कल 6 होगा, परसों 4 रुपए हो जाता है। तो कोई बिजनेस रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हमें इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, हमारी इंपोर्ट पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए और हमें चाइना का ऑप्शन सरकार को ही हमें देना है, सरकार ही हमें देगी क्या ये ऑप्शन हो सकता है। और इसमें जितनी बढ़िया भूमिका सरकार निभा सकती है, और मुझे नहीं लगता सर कोई भी हिंदुस्तानी अगर जो देश में हो रहा है या वो हमेशा पहले देश सबके लिए सर्वोपरि है, हर आदमी और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। एक राजनीतिज्ञ से एक व्यापारी को और एक साधारण आदमी को ज्यादा देशभक्त मांगता हूं, क्योंकि सर हम हर महीने अपने घर पे रोटी नहीं ले जाते लेकिन टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं। सर कौन सा पॉलिटिशियन मुझे बताइए सर कितना टैक्स भरता है? सबके निकाल के देख लीजिए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना बैठी, किसने कितना टैक्स भरा है? सर हम ज्यादा ईमानदार है, हम ज्यादा देशभक्त हैं अगर तुलना हमारी राजनीति से की जाए तो। जी 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 विश्वमणि जी आपने बहुत बेहतर बात की है। मैं भी अनिल सर से पास में, अनिल जी आपको चलते चलते अपना जो कथन है कि किस तरह से बेहतर विकल्प हमारे पास में हो सकते हैं, कम से कम शब्दों में आपको कथन करने सर। मेरा कहना ये सर कि अभी जो कुछ भी हमारी इंडस्ट्रीज है, आज यदि देखा जाए तो MIDC में आप पूरे यदि देश का इतिहास देखेंगे तो 50% इंडस्ट्रीज बंद है। ये इंडस्ट्रीज क्यों बंद है? लोगों ने सिर्फ क्या किया कि लोन ले लिया है, बाद में फिर वो बंद कर दिया है। तो हम मेक इन इंडिया, स्टैंड इंडिया, दुनिया भर के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है इसको पहले वापस चालू करके प्रोडक्शन हमारा चालू करना चाहिए। यही यदि हम नहीं कर सके तो फिर आगे की सोचना बेकार है। जी नरेश सर आपके आपके सर टिप्पणी चाहेंगे चलते चलते कम शब्दों में। सर मेरा ये मानना है कि देश को राह दिखाने का काम हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप करती रही है। एक टाइम था, अब याद करिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर जोर था तो हर मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे कारखाने खुले थे जी। आज अगर हम बस्ती उबाल को छोड़कर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, प्लान बनाने की कोशिश करें, तो ऐसी कोई वजह नहीं कि हम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ ब्रेन है, प्रतिभा है, मेहनत है, उस पर भरोसा करना चाहिए। स्मॉल स्केल से आप चालू करिए, माइक्रो से चालू करिए, जैसा भी विश्वमणि जी कह रहे थे कि घर घर में चाइना में और जापान में यूनिट है, तो हमारे यहाँ नहीं लग सकती। हमारे यहाँ भी बहुत प्रतिभा है, मेधा है, बेरोजगारी भी उसका, है, उसका, उसका, काम भी चाहिए। जी हाँ, और उसको ऑप्शन, उसको प्रतिभाओं को संधिया मिलनी चाहिए और उसको दिशा दीजिए, पॉलिसी बनाइए, उसके बाद उनको सुविधाएं दीजिए, तो देखिए हम लोग क्यों नहीं कंप्लीट करेंगे उसको। जी अब मैं सर, जी धन्यवाद सर, मैं शेखर सर के पास में आऊंगा। शेखर जी आपको क्या सुझाव आप चाहेंगे सर देना इस मौके पर? शेखर जी सर मैं तो सिर्फ एक, हाँ जी आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही, बोलिए। देखिए सर, निगेटिव सोच के कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। हमें
इस विपरीत परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में, इस COVID-19 के युग में हमको सिर्फ एक चीज साथ में लेके चलनी है कि हमारी जीवनावश्यकता क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये देख लिया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर चाइना से ना आए तो हम हमारा काम नहीं चल सकता। को बात नहीं है टॉप की मोबाइल की, तो ये जीवनावश्यक चीज नहीं है। न कहीं हमें इसके लिए टेक में जिसको समय लगेगा, लगने दीजिए उसको समय, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान से मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी, हमारा दायित्व तो समझना पड़ेगा। और धीरे ना धीरे हम किसी पे भी उंगली नहीं दिखा सकते क्योंकि हर कोई सेल्फ रिलक्टेंट हो चुका है आज के समय में। बात बराबर है तो हम सिर्फ यही कर सा थोड़ा सा मानसिकता बदले और देश के प्रति, खुद के प्रति कुछ ऐसा करें कि जो आज से 10 साल बाद में हमें इस विषय पे डिस्कशन करने की जरूरत ही ना पड़े। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं आलोक सर के पास में आऊंगा। आलोक जी, आपने सबको सुना। हम लोगों के डिबेट में जो बहुत सी चीजें सामने आई, कोविड के बाद का भारत, कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने हमको ये सिखा दिया है कि हमारा कृषि प्रधान जो देश है उसने आज हमको जो अन्न दिया, तो कोविड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे देश पे नहीं। तो शेखर जी की बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजें तो हिंदुस्तान में अवेलेबल है, इसके लिए आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है जी। तो बेसिक चीज हमारी कवर हो रही है, इसके साथ में देशभक्ति की जा सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल इस प्रकार का ही आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल का युग है। जैसे चंदू भाई ने बोला कि भाई ये क्रिएट कौन करता है, ये लाते कहां से है, कौन ये इसके पीछे कौन है। तो रोटी कपड़ा मकान हमारे पास में है, ये बेसिक चीज हम लोगों के पास में है। अब आइए आप इंडस्ट्रीज के बारे में। शर्मा जी ने जैसा कहा कि धीरे धीरे हम लोगों को उस पर आना पड़ेगा, छोटी छोटी माइक्रो लेवल की, स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज के, लेकिन विदाउट सरकार के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट को टफ स्टैंड लेना पड़ेगा और उस दिशा में कार्य कल से शुरू हो चुके हैं। हमारे पास समय की कमतरता है, नहीं तो मैं आपको इन डेप्थ बताता था कि क्या क्या गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, क्या क्या डिसीजन हुए हैं, ड्यूटीज कितनी बढ़ाई जा रही है, वो सब एक अलग विषय है। और जो विश्वमणि जी ने बोला कि 50 करोड़ रुपए के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो चीजें मैं विश्वमणि जी को कहना चाहूंगा कि ये जो युद्ध वाली स्थिति बनी है, तो अब ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शंस वाले जितने हैं, ये सबको गवर्नमेंट काम देने जा रही है, ये आप पे विश्वास रखिए कि ये होने वाला है। तो रोटी कपड़ा मकान हमारा पूरा हो रहा है, कोरोना ने हमको जीना सिखा दिया है, कोरोना के बाद की जिंदगी एक अलग जिंदगी है। और अब जो सबसे पॉजिटिव चीज इसमें हुई है कि आज वर्ल्ड के 184 देश आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन से अगर किसी चीज की कमतरता होती है तो 184 देश वो पूर्ति कर देंगे, जहां पे बहुत ही असेंशियल वाली चीजें आती है। तो ये पॉजिटिव मोड पे मैं ये बोल सकता हूं कि सरकार को स्ट्रांग और टफ एक्शन लेना पड़ेगा इस विषय पे। जिस प्रकार आप चाइना के साथ में युद्ध भूमि में टफ स्टैंड ले रहे हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी आपको बिल्कुल खड़ा होना होगा कि ये भी हमारी योद्धा है। विश्वमणि जैसे लोगों को वहां पे बिठाना पड़ेगा, क्या तकलीफ है आपको, क्या करना है आपको। जी, उन्होंने बात भी बहुत बेहतर करी थी कि वो भी व्यापार करने वाला भी जो है वो एक सच्चा देशभक्त है, जो अपने व्यापार से। जी मैं तो योद्धा बोलता हूँ, विश्वमणि जैसे लोगों को मैं योद्धा जी बिल्कुल बिल्कुल वो योद्धा। आप टैक्स पे कर रहे हो, आप योद्धा है, हमारे व्यापारी लोग योद्धा है, उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हुई है। वहां पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और देश में हमारे व्यापारी बंधु लड़ रहे हैं। तो ये दोनों अगर वो जज्बे के साथ में लड़ाई होगी तो ये कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम लोग जीत लेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे और कहीं के कहीं बढ़ जाएंगे। जी धन्यवाद। चंदू सर जी, सारी बातें जो भी है सबका आखिरी में यही एक रहा कि सपने सबसे पहले प्रयास सरकार ने करने चाहिए। सरकार प्रयास करेगी तो ऊपर से नीचे तक जनता तक सारे जाएंगे, लेकिन सरकारी प्रयास और सरकारी इच्छा शक्ति ये जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होती, क्योंकि हर चीज में जहां पे जब तक सरकारी भ्रष्टाचार में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। यानी अभी COVID-19 में भी जैसे व्यापारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी योद्धा है, कहां या आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं, व्यापारी समझता है योद्धा है करके, लेकिन जो प्रशासन है उसने कहां व्यापारी को योद्धा समझा, कहां व्यापारी को सम्मानजनक नजर से देखा। साफ जितनी नियमावली लगती है ना इसके, अभी COVID-19 के लिए सारी की सारी, अभी कल का उदाहरण देता हूं आपको,
कंटेनमेंट जोन में शॉप चालू नहीं रहनी, कंटेनमेंट जोन में दूध की भी शॉप चालू नहीं होना, मेडिकल भी चालू नहीं होना, ये उनके नियम है। लेकिन उसके साथ में नीचे लिखा हुआ रहता है कि इनकी पर्यायी व्यवस्था वहां करके देनी चाहिए, पहुंचा के देनी चाहिए। वो पन्ना नीचे का पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ पहला पन्ना पढ़ते हैं कि व्यापारी को त्रास कैसे देना। ये सरकार की पूरी मंशा है व्यापारी को। ठीक है, शेखर जी को शायद उनका अनुभव नहीं हो, लेकिन पूरे हर गंदे आपके यहाँ कितने लोग चेक करने आते, कितने लोग क्या आते दिन भर, यानी एक कैलकुलेटर और एक कारकुन उनके लिए आप बैठा के रखो। ये सारी परिस्थिति जब तक इंस्पेक्टर राज और चेकिंग राज और ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग अब तक व्यापार को नहीं दोगे कि वन टाइम आप टैक्स का बोल दो कहाँ से देना क्या देना। व्यापारी टैक्स देने में कहीं किसी को इच्छा, क्योंकि टैक्स उसको जेब से नहीं देना, दो रुपए पे यदि आप 10 रुपए टैक्स लोगे तो 12 प्लस करके वो सामान बेचेगा। व्यापारी को टैक्स का प्रॉब्लम नहीं, टैक्स का प्रॉब्लम वहां जाता कि एक आदमी को आप गैर तरीके से उसको छूट दे देते हो, उसकी प्रोडक्शन कास्ट और इसकी प्रोडक्शन कास्ट में फर्क आता तो मजबूरी में दूसरा भी आदमी चोरी करता किसके लिए, कि उसको रिश्वत देनी है। यदि रिश्वत देनी नहीं हो तो शायद कोई टैक्स की चोरी ना करे। तो इन सब चीजों के लिए जो सारी भावना है जनता, हर व्यक्ति यहाँ पे वो रिक्शा चलाने वाला वो भी देशभक्त है साहब, उसको भी देश के प्रति प्रेम है। आप बोलो देश के लिए रोटी देने तो अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी जो आवश्यक है वो भी वो दे देगा, उसमें कहीं नहीं है। लोगों की देशभक्ति कहीं किसी पे डिपेंड, ये किसकी आवाज आप थोड़ा बंद कर दीजिए यार, या म्यूट हो जाए वो। बोले बोले चंदू भाई। हाँ, जिसके बोलिए चंदू सर, समय की बड़ी कमी है। देशभक्ति के जिसमें भी देश में कहीं किसी के नहीं, आप सामने रखोगे ये 10,000 की चीजें 11,000 की चीजें, लेकिन देशभक्ति के लिए वो 11,000 भी दे देगा। लेकिन दूसरा बार बार 10 भक्ति देश देते रहेगा तो देशभक्ति पैसा खर्चा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर जैसे क्षणिक है, जब जब ऐसी स्थिति आती तो हम सारे देशभक्त हो जाते। इस देशभक्ति का सरकार ने सही समय पे इसका दोहन करना चाहिए था, चाइना की किया जैसे शर्मा जी किया, एक आप कोई चीज तोड़ देते साहब जितने बिक जाते, नया नई भी मोबाइल, जब मोबाइल नहीं थे जब भी देश चला। हम जो अभी की बात कर रहे हैं कि अभी रोटी कपड़ा मकान हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, सही है, आज से हम 25 साल पहले जाते थे हमारी इन्हीं 3 आवश्यकता के लिए हमको लड़ना पड़ता था, आज इन चीजों के लिए कोई लड़ नहीं रहा, इन चीजों के सबके हमारे पास हमारे स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो आपने जो इजी लोन दिए, इजी सुविधाएं दी दूसरे देशों का यहाँ पे लाके बिजनेस के लिए किया और साथ में लोन भी दिया आपको, वो जारी सुविधा जो ये आपका 20 साल का पीरियड है, ये सब 20 साल के पीरियड के लिए आपको 20 साल भी कम पड़ेंगे वापस आपको 20 साल पहले के पीरियड में जाने के। तो व्यापारिक तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी गुलामगिरी में ही जी रहे हैं। सारी बातें बेमानी है। हमने ये सब्जेक्ट की उसको क्या राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बजाय क्या हम स्वावलंबी हो सकते हैं, इसके लिए सरकार ने प्रयास करना चाहिए। उसको नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा दूसरी बात है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके हमको उसका नुकसान होगा तो भरपाई करके नहीं देनी, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको हिस्सा नहीं देगा, हो सकता है देता भी हो कहीं पे उसको, इससे शायद आप धंधा भी करने दे रहे हो सकता है ना, क्यों बिजनेस करने दे रहे हो आप देश में उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। आज से 4 साल पहले पूरा केबल इंडस्ट्री को पूरा पूरा ये कर दिया गया, पूरा का पूरा 5 साल पहले डिजिटाइजेशन कर दिया, हमारे पास इसका सेटअप बॉक्स का प्रोडक्शन नहीं था, क्या हम रुक नहीं सकते सेटअप बॉक्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं कर सकते, सारी की सारी टेक्नोलॉजी सेटअप बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल चाइना से इंपोर्ट, भ्रष्टाचार पूरा पूरा वहां से पूरा का पूरा वहां से इंपोर्ट हुआ, क्या आप 4 साल बाद यदि कर ले किसके लिए बाद में किसके किसके लिए ये किसके लिए लाया गया, क्या जनता को अच्छी क्वालिटी मिले, कहीं ना कहीं नीतियां जो नहीं नीति नहीं नीति नहीं नीति नीति नहीं नीति नहीं रत्नाकर जी ये क्यों पॉलिसी लाई गई कि आपको क्लियर टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए अच्छी पिक्चर दिखनी चाहिए, इसके लिए आपके सामने प्रचार ये किया, ये नहीं जितने यहाँ पे पूरे पूरे ब्रॉडकास्टर है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को बेनिफिट, ब्रॉडकास्टर कहाँ बैठे हैं फॉरेन में बैठे, मैं चाइना की बात नहीं करता पूरे फॉरेन पॉलिसी की बात करता भी, ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे वर्ग का आर्थिक हित देखने के लिए हर गरीब व्यक्ति के जेब पे चूना लगा दिया, ये पॉलिसी चलते चलते आप कहाँ चाइना से लड़ने की बात करते हैं, कहाँ चाइना को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, सारी बातें बेमानी है। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत ना हो, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ना हो, हमने सब देख लिया कितनी भी सरकार आए बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलती, जब तक सारी बातें करना बेमानी है। सरकार की इच्छा, हमारे पास में समय की बड़ी कमी है, विश्वमणि जी चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं, विश्वमणि जी जो बहुत जल्दी में कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ जब चाइना बिना गूगल बिना व्हाट्सएप बिना यूट्यूब बिना ट्विटर और बिना जूम के चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते जी, बहुत बेहतर आपने टिप्पणी और ये बात आपने भी कही थी। देशभक्ति चाइना में क्या आपको भ्रष्टाचारी दिखते हैं अपने जितने,
जी ठीक है ठीक है, चंदू बहुत सारी चीजें क्या है डिपेंड उसमें लटका देते वहां पे। हाँ ठीक है, हम इसी बात के साथ में आज का कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने कहा, एक छोटी सी बात बचपन की याद आ जाती है कि हमें बचपन पे एक बोर्ड पर दो लाइनें एक ही सरीके सिखाई जाती थी, उसमें कहा जाता था कि आपको एक ये बगैर छुए हुए एक लाइन को बगैर छुए हुए अपने इस लाइन को आपको छोटा करना है। तो उसका सोल्यूशन ये था कि उस लाइन को छुए बगैर हमें अपनी लाइन को थोड़ा सा अगर हम खींच ले तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाती थी, उस लाइन का तो नुकसान हो या नहीं हो लेकिन हमारी लाइन बड़ी हो जाती थी। कुछ इसी तरह से इस वक्त देश की जरूरत है कि हर मायने में हम अगर अपनी लाइन को अगर बड़ी कर देते हैं तो चाइना का आर्थिक नुकसान हो या ना हो लेकिन भारत जरूर आत्मनिर्भर बन सकता है। और यह हर किसी की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, चाहे वो सरकार हो, समाज हो, एक प्रत्येक व्यक्ति हो या जनता हो। हम सब अगर एक मिलकर आए और अपनी लाइन अपनी अपनी लाइन को अगर बड़ा करें तो चाइना का आर्थिक नुकसान ना सही लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था पर के लिए हम लोग जरूर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए फिर हम हमारे दर्शकों के साथ में हाजिर होंगे। मैं सभी पैनलिस्ट का फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बातचीत रखी। दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप बने समय बने रहिए इन विषय न्यूज और सिटी न्यूज के लिए। धन्यवाद।